हेलो, आपका टेक प्रीति चैनल में वेलकम है। आज का टॉपिक है गो ग्रीन जयपुर। लॉकडाउन को बड़ा फ़ायदा हुआ पर्यावरण में। इस दौरान पॉल्यूशन लेवल कम हो गया और हरियाली हमारी खूब बढ़ गई। लॉकडाउन ने शहर की आबो हवा को काफ़ी बदल दिया है। जयपुर को हर कोई ग्रीन और क्लीन, प्रदूषण मुक्त सिटी के रूप में देखना चाहता है। कोरोना वायरस की मदद से शहर हरा भरा तो रहा, साथ ही लोगों को घरों में कैद रहने से पॉल्यूशन भी 50% घट गया। JDA निगम और इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते हैं। JDA और नगर निगम इस बार करीब 2 लाख पौधे लगवाएंगे। JDA जुलाई में पौधारोपण करेगा। इसके लिए टेंडर का टेक्निकल फीड खोल दी है। JDA ने अभी 85,000 पौधे खरीदने जा रहा है, जिसमें 60,000 पौधे JDA खुद लगवाएगा। इसमें 10,000 पौधे सड़क किनारे लगाए जाएंगे, जिनकी देखरेख JDA खुद करेगा। 25,000 पौधे शहरवासियों में बांटे जाएंगे। दूसरे चरण में ये संख्या 1 लाख से अधिक हो सकती है। फिलहाल दूसरे चरण के 15,000 पौधे खरीदने का प्लान तैयार किया है। पिछले साल JDA 40,000, निगम 50,000 पौधे लगाए थे। तो इस तरह लॉकडाउन से हमारे पर्यावरण को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आज की वीडियो इस टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए मेरा टेक प्रीति चैनल और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, गुड नाइट।